सेव शारदा कमेटी कश्मीर ने नियंत्रण रेखा पार विरासत और धार्मिक पर्यटन की वकालत करते हुए एक छड़ी मुबारक यात्रा का आयोजन किया है। यात्रा टेटवाल करनाह में नवनिर्मित शारदा मंदिर से शुरू हुई और TCP टेटवाल और भारत व POK को विभाजित करने वाले अंतिम बिंदु को चिन्हित करते हुए व्हाइट लाइन ब्रिज तक गई है। लगभग 100 कश्मीरी पंडितों के नेतृत्व में देश भर से सैकड़ों यात्री इस यात्रा पर निकले हैं। इससे पहले यात्रियों ने जिला प्रशासन के द्वारा स्थायी स्नान घाट के रूप में चिन्हित किशनगंगा नदी घाट में पवित्र डुबकी लगाई है। इसके अतिरिक्त T20 शारदा माता क्रिकेट कप के लिए शाने टीटवाल मैदान में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता GOC कुपवाड़ा मेजर जनरल गिरीश कालिया ने की है। इस कार्यक्रम के दौरान सेव शारदा समिति के अध्यक्ष रविंदर पंडिता और प्रसिद्ध स्थानीय पत्रकार पीरजादा सैयद को सम्मानित किया गया है। टीटवाल 12 और हजिनार जॉइंट्स को विजेता और उप विजेता के रूप में रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। यहाँ इतना अच्छा पुराना ही वातावरण हमको ऐसा मिला, भाईचारा, वैसा प्यार मोहब्बत, सच में हमको लगा ही नहीं 25 साल हमने अलग कश्मीर से बिताए। इन 2 सालों में हमें इतना अच्छा प्यार, स्वागत, आदर सम्मान अपने भाइयों से, अपने कम्युनिटी से, सच्ची में सच्चे वचनों से बोलती हूँ, हृदय से बोलती हूँ। और यहाँ का प्यार जो हमें मिला वैसा ही मुझे लगा जो बचपन में हम जैसे यहाँ रहते थे वैसा ही हमें यहाँ माहौल मिला, हमको वैसा ही आदर सत्कार। और इन लोगों ने हमें खुले दिल से स्वागत किया, खुले दिल से उन्होंने हमें गले लगाया, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और हमने भी उनका आदर सत्कार ऐसे स्वीकार किया कि जैसे हम वो 25 साल भूल ही गए कि 25 साल हम बाहर थे, लगा ही नहीं रहा कि 25 सालों में हम बाहर हैं। 25 साल शारदा दिवस के मौके पे हम आए हैं। शारदा दिवस यानी कि हमारी जो सालाना यात्रा मुबारक यात्रा हुआ करती थी शारदा पीठ पे, बदकिस्मती वो नीलम जिला में उस तरफ है और 1948 में जो पीठ हमारी बंद हो चुकी है उसके खुलवाने का संघर्ष है। और इस खुलवाने के संघर्ष में हमारे कई सारे लोग जो है उस तरफ भी इस चीज़ के लिए उजागर हुए। हमारी सिविल सोसाइटी है इस तरफ, उस तरफ भी सिविल सोसाइटी है। हमारा हक है पिलग्रिमेज का, जायरीन का हक है जो है वहाँ पे मजहबी जगह पे जाने का। मैं ये कहता हूँ कि वो भी कुछ लोग इधर आ जाए, चरार शरीफ पढ़ते। और आपने हमारा बैनर देखा होगा क्रॉस LOC रिलीजियस एंड हेरिटेज टूरिज्म को लेकर है, उसमें यही है कि अगर उस तरफ भी कुछ जायरीन इधर आ जाए, कुछ जायरीन यहाँ से शारदा पीठ चले जाए तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होएगा। अगर करतारपुर कशीदगी के बावजूद खोला गया और इस साल जो हमने यहाँ पे ये उपलब्धि हासिल की कि माननीय गृह मंत्री जी ने यहाँ पे वही टीटवाल का मंदिर और सिख गुरुद्वारा इनॉग्रेट किया जो 1947 में जलाया गया, यहाँ के मकामी लोगों ने वो ज़मीन प्रिजर्व रखी थी, हमने दोबारा तामीर इनॉव किया वही मंदिर और गुरुद्वारा। और अब इनॉग्रेशन के बाद ये पहली यात्रा थी, उस टाइम भी इनॉग्रेशन एड्रेस पे गृह मंत्री जी ने ये वादा किया है कि इस पे बहुत सोच विचार होएगा, गंभीरता से शारदा पीठ की यात्रा खोली जाएगी। और उस टाइम अगर आप सब लोगों को याद हो, उन्होंने मेरी सिविल सोसाइटी को, यहाँ इस तरफ की सिविल सोसाइटी को और POK की सिविल सोसाइटी को भी अभिनंदन किया। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि सिविल सोसाइटी का रोल एक आइडेंटिफाई हुआ है। हमारा भी एक फ़र्ज आयद होता है लोगों का, मकामी लोगों का, सिविल सोसाइटीज़ का, कि इस तरह के इश्यूज़ जो हैं उसमें हम भी आगे हाथ बढ़ाएं, सरकार का बताएं, उनको अपना काम करने दें, फौज अपना काम करे, सिविल सोसाइटी अपना काम करे। तो यहाँ पे हम सारे इकट्ठा हुए थे आज देश भर से, और विशेष तौर पे जितने कश्मीरी यहाँ समुदाय 100 से ऊपर यहाँ जमा था, हमने अपने भजन और कीर्तन करके अपनी तरह से जो। दैनिक सवेरा के लिए जम्मू कश्मीर से जुबैर की रिपोर्ट।